हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानू एमएड इंट्रेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो मानू एमएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का रैंक लिस्ट आ चुका है और रैंक लिस्ट देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितने रैंक पर हमारा एडमिशन हो जाएगा और कितने रैंक पर किस सेंटर पर एडमिशन होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टोटल सीट्स जो है मानू में कितना है, वो है 189। ठीक है, हैदराबाद में है 63, भोपाल में भी है 63 और दरभंगा में भी है 63। ठीक है, तो इन तीनों सेंटर पे 63 सीट है और टोटल मिला के आपका हो जाता है 189 सीट्स। ठीक है, उसके बाद ये भी आप लोग को पता होगा कि अनरिजर्व्ड सीट जो है वो है 40%। ठीक है, और 189 का 40% आप निकालेंगे तो 76 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आप लोगों को पता है कि EWS का 10% सीट है, मतलब हो गया 19 ये सीट्स। ठीक है, तो दोनों मिला के अप्रॉक्स 95 सीट ऐसा है जिस पे जनरल वाले कैंडिडेट का भी एडमिशन हो सकता है। और ये जो 10% है इस पे जनरल वाले का ही एडमिशन होता है, वैसा जनरल कम्युनिटी से आते हों और वो EWS क्राइटेरिया को अगर फुलफ़िल करते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है। और ये 40% इस पे जनरल का भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ सीट पे OBC का भी हो जाता है अगर अच्छा रैंक आता है तो। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, OBC का जो सीट है वो 27% है, तो 189 का 27% ये हो जाता है 51। उसके बाद SC का जो है 15% सीट है, तो इसका हो गया 29 सीट। और ST का जो है 7.5% सीट है, तो इसका हो गया अप्रॉक्स 14 सीट्स। ठीक है, 14, तो ये टोटल जोड़ के 189 ही हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग परसेंट में सीट है, ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ। और ये जो है सो प्रोस्पेक्टस में पहले से जिक्र किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स के अतबार से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ ताकि ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था। टोटल बच्चे जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में MED के, वो हुए हैं 322 और एबसेंट जो हुए हैं बच्चे वो हैं 51। यानी अगर ये 51 एग्ज़ाम देते तो और भी बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई देते और ज़्यादा रश हो जाता। तो चलिए, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो फ़ायदा हो गया उनका, जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को फ़ायदा हो गया, अगर ये बच्चे एग्ज़ाम देते तो ज़्यादा भीड़ हो जाता। अब यहाँ पे 322 बच्चे एग्ज़ाम दिए और यही रेस में हैं और टोटल 189 सीट्स है। यानी अगर बात करें तो अप्रॉक्स 0.58 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0.6, यानी 60%, यानी इसमें का 60% बच्चे का एडमिशन जो है सो हो जाएगा। ठीक है, जितना सीट है अगर इसमें SC और ST के बच्चे होंगे तो हो जाएगा। किस सेंटर पे कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और किस स्टेट से कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में भी सेंटर था, तो यहाँ से एक बच्चा एग्ज़ाम दिया है, संबल, यहाँ से 13 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं इस सेंटर पे। उसके बाद लखनऊ, यहाँ एक बच्चा एग्ज़ाम दिया है, तो टोटल UP में 15 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, अब बिहार की बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे बिहार से ही एग्ज़ाम देते हैं, तो बिहार में पटना में जो है वो 32 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है।
उसके बाद है किशनगंज, यहाँ 11 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दरभंगा, सबसे ज़्यादा यहीं से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इसी सेंटर पे। तो दरभंगा में 120 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो टोटल अगर हम लोग जोड़ लें बिहार का तो 163 बच्चे बिहार के सेंटरों पे टोटल सेंटर को जोड़ के बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। रांची से जो है, रांची में 2 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, नूह यहाँ पे 14 बच्चे, ठीक है। रांची यानी झारखंड से सिर्फ 2 बच्चा, नूह यानी हरियाणा यहाँ से सिर्फ 14 बच्चा एग्ज़ाम दिया है। हैदराबाद से 66 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं हैदराबाद में सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली NCR, यहाँ जो है 14 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो टोटल जो है सो रांची यानी झारखंड से 2, हरियाणा से 14 और हैदराबाद यानी तेलंगाना से 66 और फिर दिल्ली NCR यानी दिल्ली से 14 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। बीदर यानी कर्नाटक से सिर्फ 13 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं कर्नाटक में सेंटर पे। उसके बाद जो है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र, यहाँ जो है सो 8 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। और फिर है आसनसोल, ठीक है, आसनसोल यानी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 27 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि किस सेंटर से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और किस स्टेट से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, साथ ही साथ मैं भी ये भी बताते हुए आप लोगों को चल रहा था। अगर आपका रैंक 160 या उससे कम है, ठीक है, तो आपका एडमिशन मानों में हो जाएगा, 160 या इससे कम है तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ शर्त है, ठीक है, इसके साथ क्या है शर्त है, क्राइटेरिया है। पहला शर्त यह है कि आपने जो एग्ज़ाम है वो दिए होंगे अपना यहाँ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद या फिर दरभंगा या फिर भोपाल, ठीक है, हैदराबाद या फिर दरभंगा या फिर भोपाल, ये पहला क्राइटेरिया है कि इन तीनों में से अगर कहीं भी जगह आप एग्ज़ाम दिए होंगे और 160 से कम रैंक है आपका, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा मानों में। ऐसा नहीं कि कोई बाहर दूसरे जगह जो है सो एग्ज़ाम दिए हैं दूसरे सेंटर पे तो उसका एडमिशन नहीं होगा, हम ये कंफर्म इसका ही बता सकते हैं क्योंकि अपने पास जो डाटा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। 160 रैंक से अंदर और भी कहीं भी एग्ज़ाम दिए होंगे लोग, है ना, उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हैदराबाद भोपाल और दरभंगा में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और उनका रैंक 160 या उससे कम है तो कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा मानों में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने एग्ज़ाम एडमिशन का जो सेंटर होगा वो हैदराबाद भोपाल या दरभंगा तीनों प्रेफरेंस को चुने होंगे, कोई एक को चुने होंगे और उनका रैंक 160 या 140 भी रहेगा तो मुश्किल होगा, ठीक है। अगर तीनों सेंटर उन्होंने एडमिशन के लिए चुना होगा और उन्होंने इन तीनों जगह से कहीं भी एग्ज़ाम दिए होंगे इन तीनों में से किसी भी सेंटर पे, तो उनका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा, ठीक है। तीनों यहाँ दरभंगा मीन क्या है कि बिहार में, बिहार के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हों या फिर भोपाल में दिए हों मध्य प्रदेश या फिर हैदराबाद में, तो उनका एडमिशन जो है सो कंफर्म हो जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एडमिशन के लिए तीनों सेंटर को चुने होंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्राइटेरिया, क्योंकि बाद में कुछ लोग कहते हैं कि आप बोले थे कि 160 रैंक पे हो जाएगा, नहीं हुआ, तो क्राइटेरिया लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, दिक्कत हो जाता है उनको, बस देख लीजिए 160 रैंक, वीडियो को स्किप कर करके
और उसके बाद फिर यही बोलते हैं कि आप तो बोले थे हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, लेकिन क्राइटेरिया मैं बता दिया हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसी और जगह से भी एग्ज़ाम दिए होंगे और तीनों सेंटर चुने होंगे तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनके लिए जो है सो कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, एडमिशन तो होगा लेकिन कंफर्म वाली बात यहाँ पे आ जा रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब दरभंगा में एडमिशन कितने रैंक तक पे हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका रैंक 144 ठीक है या इससे कम है, ठीक है, तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ भी वही क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया यह है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका दरभंगा होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस दरभंगा होना चाहिए आपका, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप दरभंगा सेंटर पे एग्ज़ाम दिए होंगे तो, ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया, दरभंगा सेंटर या फिर बिहार के किसी भी सेंटर पे, ठीक है, दरभंगा या फिर बिहार का बाकी भी सेंटर है, सिवान है, पटना है, किशनगंज है, तो इन सभी में से किसी सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया होगा और फर्स्ट प्रेफरेंस आपने एडमिशन के लिए दरभंगा चुना होगा। ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपका एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा 144 या इससे कम रैंक पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा रैंक वाले का नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग अगर करते होंगे, स्पेशल कैटेगरी मतलब SC ST या फिर PWD CAP या NCC NSS इस तरह का कैटेगरी, ठीक है, या स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो उनका एडमिशन इससे ज़्यादा रैंक, बल्कि क्या इसके दोगुना रैंक वाले का भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी पता है उसके लिए। उसके साथ साथ वहाँ जो है अभी जो मैंने बताया 160 रैंक पे कहीं भी एडमिशन हो जाएगा, उसके साथ दो क्राइटेरिया बताया कि आपने तीनों प्रेफरेंस चुना होगा एडमिशन के लिए तीनों सेंटर को, और आपने एग्ज़ाम जो है सो दरभंगा या मतलब कि बिहार के किसी सेंटर पे या फिर भोपाल में या फिर तेलंगाना के सेंटर पे हैदराबाद में, इन तीनों जगह अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो और तीनों सेंटर को चुना हो तो 160 या उससे कम रैंक पे आपका एडमिशन हो जाएगा मानों में, ठीक है, कन्फर्म। उसके साथ साथ मैंने ये बताया कि इसके बाद वाले रैंक का भी हो सकता है, लेकिन किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो। स्पेशल कैटेगरी मैंने फिर पहले ही बता दिया आपको कि SC ST CAP NSS NCC स्पोर्ट्स कैटेगरी है ना, PWD ये सब अगर है तो उसका बल्कि 160 के 320 रैंक पे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और दरभंगा में एडमिशन के लिए 144 से उससे कम रैंक हो, फर्स्ट तीनों सेंटर को प्रेफरेंस आज चुना हो और फर्स्ट प्रेफरेंस दरभंगा हो और एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने जो है सो यानी एग्ज़ाम जो दिए हों वो फिर बिहार या फिर दरभंगा में, यानी बिहार का कोई भी सेंटर, ठीक है, दिए होंगे, तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करेंगे तो 144 से उससे कम रैंक पे एडमिशन हो जाएगा दरभंगा। इसके बाद वाला भी हो सकता है लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी जो मैं बार बार बता रहा हूँ उससे बिलोंग करेंगे तो 144 का 288 वाले का भी हो जाएगा, लेकिन वही है कि स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी से मेरी मुराद ये है कि SC ST या फिर PWD या NSS NCC CAP इस तरह का, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो सके।